जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मायसेल्फ आशीष पांडे, केमिस्ट्री फैकल्टी, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज मैं आपके लिए कुछ MNS जो नीट के थ्रू होने जा रहा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाएंगे, जिसके जो MNS के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जब आप MNS में जाना चाहते हैं तो नीट क्वालिफाइंग है, मीन्स आप नीट क्वालिफाई करेंगे तब आप MNS में जाएंगे। तो हम आज उसी पर, हमसे पहले भी हमने दो वीडियोस रिलीज किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, और आज हमने थर्ड वीडियो रिलीज किया है। थर्ड वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे नीट पे, नीट के एग्जाम में क्या पैटर्न होगा। तो आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 NaCl एंड ग्लूकोज विल बी इन द ऑर्डर। तो ये बोला है कि अगर इक्विमोलर है, मींस मोलैरिटी सेम है सॉल्यूशन की, तो ग्लूकोज बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसमें ऑर्डर क्या होगा। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है डायरेक्टली नंबर ऑफ आयंस ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। तो देखिए, ये आपका ग्लूकोज है, ये आयनाइज होगा नहीं। NaCl, यहाँ पे दो आयंस बनेंगे, एक Na प्लस और एक Cl माइनस, और ये है आपका BaCl2, इसके आयनाइजेशन से एक मिलेगा Ba2 प्लस एंड 2Cl माइनस, टोटल तीन आयन बनेंगे। मींस करेक्ट ऑर्डर होगा BaCl2, देन आफ्टर NaCl एंड देन आफ्टर ग्लूकोज। फिर से सुन लीजिए, कभी भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसमें दो तरीके का कॉन्सेप्ट लगता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। तो कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा से नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट यानी ऑर्गेनिक सॉल्यूट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है तो फिर वो आपका नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस थे बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है, इसका जो एलिवेशन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सबसे कम होगा, फिर आपका हो जाएगा NaCl और BaCl2। तो NaCl और BaCl2 आपके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट हैं, और यहाँ पर आप कंपैरिजन करेंगे बाय द नंबर ऑफ आयंस, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, मीन्स बी। हम नेक्स्ट आते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। अभी पहले थोड़ा सा मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक क्वेश्चन आता था, यहाँ पे मास परसेंटेज यानी ये मास फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एक्स टू द 45 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाई, देन व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट एक्स। कह रहा है कि 5 ग्राम सॉल्यूट है, इसको आप 45 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देते हैं। तो जब आप 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को 45 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो टोटल आपका सॉल्यूशन हो गया 50 का। अब कह रहा है इस टोटल 50 के सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट का क्या मास परसेंटेज होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5/50 × 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 × 5 मींस आंसर आपका हो जाएगा 10%। देखिए, मास परसेंट निकालने का तरीका होता है मास ऑफ सॉल्यूट, जिसका भी पूछ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछे, मास ऑफ सॉल्वेंट पूछे, तो वो आज आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो ये आपका सॉल्यूट का पूछ रहा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, और आपने दोनों को डिजॉल्व कर दिया तो ये सॉल्यूशन बन गया, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था और लगभग ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ NL एंड ML ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल 4F। कह रहा है 4F एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए N मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, F मींस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और ML मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और यहाँ पे लिखा हुआ है 4F, मीन्स N की वैल्यू होगी 4, F जो सेल सबसेल होता है वही एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, तो S सबसेल के लिए है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, तो L की वैल्यू होगी 3, और जो ML की वैल्यू होती है वो माइनस L2 प्लस L होगी, मीन्स माइनस 3 2 प्लस 3। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए हमारे तीन ऑप्शंस में ऐसा दिया हुआ है, N की वैल्यू 4 है, फिर हम आगे कंपैरिजन करेंगे तो L की वैल्यू से, तो L की वैल्यू 3, मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड हो जाएगा, और ML की वैल्यू माइनस 3 2 प्लस 3। फिर से सुन लीजिए, कभी भी आपको किसी भी ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर बताना है तो जो लिखा होता है, जैसे उसने लिखा 2s, तो जो 2 लिखा होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s सबसेल से आप एजी म्यूथल निकाल लोगे, s सबसेल के लिए एजी म्यूथल 0 होता है, और ml की वैल्यू जो होती है वो l पे डिपेंड करती है, माइनस l2 प्लस l, तो 4f लिखा हुआ था, n बराबर 4 हो जाएगा, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है और ml की वैल्यू माइनस 3 2 प्लस 3। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका हो जाएगा थर्ड का बी। ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग Na प्लस Al 3 प्लस एंड Ba 2 प्लस फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जो आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल है वो निगेटिवली चार्ज सॉल होता है, और निगेटिवली चार्ज्ड सॉल कोगुलेट होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट से, और कोगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर आप पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉजिटिव सॉल की बात कर रहे हैं तो उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज, और अगर आप निगेटिवली चार्ज सॉल की बात कर रहे हैं, निगेटिव सॉल की बात कर रहे हैं, तो उसका जो कोगुलेटिंग पावर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे देखिए, तीन आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं Na प्लस, Ba 2 प्लस और Al 3 प्लस, तो इसमें जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा, तो Na प्लस से ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी Ba 2 प्लस की, और Ba 2 प्लस से ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी Al 3 प्लस की। ये बहुत क्वेश्चन आता है, जब भी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाए कोगुलेटिंग पावर का, तो आप सीधा कॉन्सेप्ट समझिए, कोगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज, और निगेटिवली चार्ज्ड सॉल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो इस तरीके से इसका भी आंसर होगा सेकेंड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये बोर्स थ्योरी से क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन टोटल आर एसोसिएटेड विद फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक है, तो देखिए किसी भी एनर्जी लेवल का मतलब होता है सेल, और ये आपको ऐसे पढ़ाया जाता है, इफ एन इज द सेल नंबर then it contains n type of subcell and it contains n square orbital and it contains 2n square electron। फिर से देखिए, if n is the principal quantum number या energy level, then s will be the number of subcells in that cell or that energy level, n square is the number of orbital and 2n square is the number of electron। तो 4 का आप स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 16, यानी जो फोर्थ एनर्जी लेवल होगा, फोर्थ सेल होगा, वहां पे टोटल 16 ऑर्बिटल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड। देखिए ऑक्टेट रूल बोलता है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मींस अपने आउटर सेल में 8 करने के लिए, तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें किसी कंस्टिट्यूएंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मींस उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरीके में आपका आंसर होता है NO, यहां पे NO नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होने के बावजूद नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी।
एक क्वेश्चन ये केमिकल बॉन्डिंग से है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड आर, मींस कार्बन जो के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका कार्बन डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पे दो सिग्मा बॉन्ड होंगे और लोन पेयर जीरो, तो दो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जीरो यानी 2+0 हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2। और हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 का मतलब दो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग। तो फर्स्ट ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में जाता है वो एस है और सेकेंड आपका होगा पी। तो अगर दो का मिक्सिंग हो रहा है यानी एक होगा एस दूसरा होगा पी, यानी हाइब्रिडाइजेशन होगा एस पी। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है एस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से हाइब्रिडाइजेशन से है, कह रहा है इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज सोन बाय कार्बन एटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन गिवन कंपाउंड। ये आपका दिया हुआ, देखिए हम आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं, और कार्बन के लिए स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होता है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आपके होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये दोनों आपके डबल बॉन्डेड हैं तो ये आपके हो जाएंगे sp2, ये आपका ट्रिपल बॉन्डेड है तो ये आपका हो जाएगा sp। और ये कह रहा है लेफ्ट टू राइट मीन्स आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp2 sp2 एंड sp, मीन्स आंसर आपका होगा एर्थ का ए। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर, यानी किस मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो देखिए जिस मॉलिक्यूल का टोटल डायपोल मोमेंट जीरो होता है वो मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर होगा। तो जब आप यहां पे निकालेंगे, चाहे आप NO2 के लिए कैलकुलेट करिए, POCl3 के लिए कैलकुलेट करिए, या CH2O दैट इज फॉर्मल्डिहाइड के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो आपको नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो मिलेगा। नॉन जीरो मिलने का मतलब ये सारे के सारे पोलर होंगे BCl3 को छोड़ करके। तो BCl3 जो आपका होगा वो पोलर होगा। ये तरीका होता है, अगर आपके कंपाउंड के सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है तो आप पोलर या नॉन पोलर बताते हो उनके सेमेट्री से, मीन्स कंपाउंड सेमेट्रिकल है या नहीं है। अगर कंपाउंड सेमेट्रिकल है फिर तो वो आपका क्या होता है नॉन पोलर होगा, और अगर वो अनसेमेट्रिकल है तो नॉन पोलर होगा, और अगर आपका कंपाउंड अनसेमेट्रिकल है तो पोलर हो जाएगा। तो इसमें जो आपका BCl3 है बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, ये सेमेट्रिकल होता है। बोरॉन ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होता है, और बोरॉन ट्राइक्लोराइड आपका सेमेट्रिकल है। सेमेट्रिकल होने की वजह से जो बोरॉन ट्राइक्लोराइड है ये नॉन पोलर होगा। यानी 9th क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी। फिर से सुन लीजिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर आप कभी भी पोलैरिटी चेक कर रहे हैं और सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है तो वो सेमेट्री पे डिपेंडेंट है। अगर आपका मॉलिक्यूल सेमेट्रिकल है तो नॉन पोलर, और अगर आपका मॉलिक्यूल अनसेमेट्रिकल है तो पोलर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड। नो पाई बॉन्ड मतलब होता है, पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी जब दो एटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड बनता है तो वो आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो यहां पे जितने भी दिए हुए हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ऑक्सीजन के दो बॉन्ड्स होते हैं, यानी सल्फर ऑक्सीजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। NO2 में नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होंगे। तो बचा आपका वाटर, और वैसे भी वाटर में जो ऑक्सीजन है वो दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है यानी वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, पाई मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर ये बोल रहा है कि कंटेन्स नो पाई बॉन्ड यानी वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और इस तरीके का आपका जो आंसर होगा वो वाटर हो जाएगा। वाटर में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन है, कह रहा है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट 374 डिग्री सेंटीग्रेड
एंड वन बार प्रेशर। तो इसको आप आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे जो आपका होता है PV equals to nRT। प्रेशर दे रहा है एक बार, वॉल्यूम आपको निकालना है, नंबर ऑफ n फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होता है। तो ये वाटर वेपर है, वाटर वेपर मतलब वाटर गैस हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 1.8 और वाटर का मॉलिकुलर वेट होता है 18। और R की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.083 और ये T फॉर टेम्परेचर है। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में और आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 274 + 273, तो ये 437 7714 32516 मीन्स ये आपका हो जाएगा 647। तो ये आपका हो गया 10 1/10 into 0.08 into 647। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो आपका आंसर आएगा वो होगा 5.37 लीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5.37 लीटर। ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम से दिया हुआ, कह रहा है एक रिएक्शन है जहां पे NO और O2 कंबाइन होता है, तो जिससे NO2 और NO और ओजोन कंबाइन होता है जहां से NO2 और O2 बनता है। कह रहा है कि इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू है 8.2 × 10⁴। तो कह रहा है अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो K की वैल्यू क्या होगी। तो पढ़ाया जाता है कि अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो जो नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पुराने रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स मतलब 1/ में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए सेकेंड वैल्यू भी वही लिखी हुई है 1/8.2 × 10⁴। जैसे आपने लिखा भाई, आपने लिखा ये KC KC = 8.2 × 10⁴, आपने रिएक्शन उल्टी कर दी तो ये भी उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब 1/ में हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 12th का बी। और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेविस एसिड। देखिए इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिस भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट या तो इनकम्प्लीट हो या फिर सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वो लेविस एसिड होता है। तो BF3 में बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, AlCl3 में एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और FeCl3 में आयरन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो अगर इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी ये तीनों आपके क्या है, लेविस एसिड हैं। तो बचा कौन, फॉस्फीन, और फॉस्फीन आपका लेविस बेस होता है क्योंकि फॉस्फीन में कॉन्सेप्ट होता है वो सब्सटेंस लेविस बेस होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो PH3 के पास, PH3 में फॉस्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो PH3 हो गया लेविस बेस। तो अगर ये लेविस बेस है यानी लेविस एसिड नहीं होगा, मींस आपका आंसर हो जाएगा 13 का डी। फिर से कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा है, आप इसको याद रखिएगा कि वो सब्सटेंस जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वही आपका लेविस एसिड होगा। बाकी जिस सब्सटेंस में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका लेविस बेस होता है। ये क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K4Fe CN6। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको बोला जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और पूछते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, पोटेशियम का उसके कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो 4 पोटेशियम का हो जाएगा +4। आयरन, एक आयरन का आप कंसीडर कर लीजिए x, और साइनाइड आयन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, एक पर होता है 1 नेगेटिव तो 6 पे हो जाएगा 6 नेगेटिव, और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो टोटल चार्ज के बराबर होगा और कंपाउंड का टोटल चार्ज है 0। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा x-2 = 0, यानी x = हो जाएगा +2, यानी आंसर आपका हो जाएगा 14th का सी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट होता है, जिस रिएक्शन में सब्सटेंसेस मींस एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होती है वो रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी रिएक्शंस लिखी हैं, जैसे P4 से PH3,
Na से NaOH, V2O5 से V। देखिए P4 में P का 0 है और यहाँ पे P का हो जाएगा -3। NaOH, Na में Na की 0 है, NaOH में होता है +1। V2O5 में वेनेडियम का होगा 5 और V में इसका होगा 0। तो बचा कौन सा, CaCO3। तो CaCO3 का हीटिंग जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और कैसे नहीं है वो भी देख लीजिए, यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, कार्बन का होगा +4 और ऑक्सीजन का होगा -2। प्रोडक्ट में भी ऐसा है, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4। तो इस रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर, मींस किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, यानी यही आपका क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 15th का 3rd। एक और क्वेश्चन ऑक्सीडेशन से ही, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज CHCH2Cl2। तो यहां पे देखिए, कार्बन का कंसीडर किया आपने X, तो हाइड्रोजन का उसके कंपाउंड में जनरली होता है +1, तो ये हो जाएगा +2 और क्लोरीन का उसके कंपाउंड में होगा -2। तो ये आपका हो गया X +2 -2 = 0 और यहाँ पे X इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, मीन्स 16th का 1st आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल। देखिए फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन, अगर वो एलिफैटिक फ्री रेडिकल या एलिफैटिक कार्बोकेटायन है तो उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप पे। जिस पे एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, यानी जिस फ्री रेडिकल वाले कार्बन पे एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे, यहाँ पे 3, तो जिसमें 2 होगा, जिसमें 3 होगा, जो 3 वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू फ्री रेडिकल विद 2 एल्काइल ग्रुप। तो इन दोनों में आपका ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला। अब इसके बाद ये कॉन्जुगेटेड दिए हुए हैं, तो पढ़ाया जाता है कॉन्जुगेटेड इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू नॉन कॉन्जुगेटेड। तो एलिफैटिक इंटरमीडिएट, एलिफैटिक फ्री रेडिकल तो कॉन्जुगेटेड होता ही नहीं है, यानी उसकी स्टेबिलिटी नॉन कॉन्जुगेटेड से हमेशा कम होगी। तो ये दोनों आपके कॉन्जुगेटेड दिए हैं। अब जब कॉन्जुगेटेड दे दिए जाएंगे तो वहां पे स्टेबिलिटी डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन पे। तो बेंजीन रिंग जितनी ज्यादा होगी एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है, तो 3 बेंजीन रिंग वाले का एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मींस जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1st। यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूं, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन तो इसी फैक्ट से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और यही सेम रूल आप कार्बोकेटायन के लिए भी अप्लाई करेंगे। हाँ, इसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 18। ये दिया हुआ है बेंजीन रिंग है जहां पे क्लोरीन लगा है, Na2 लगा है और CH3 लगा है। फिर ये बोल रहा है इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए Cl की प्रायोरिटी कम होती, तो Cl के लिए प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो, इसके लिए लगेगा NO2 और इसके लिए लगेगा CH3। तो जब नंबरिंग हम उधर से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप आपसे आपके पास पढ़ते हैं, तो आप इधर से कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3 and 4, मीन्स ये आपका होगा 1 क्लोरो और जो प्रीफिक्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो ये मिथाइल है C, फिर आएगा M, फिर आएगा N, मीन हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। तो जो आपका 18th क्वेश्चन होगा इसका आंसर हो जाएगा B। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दे रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजिल कार्बोनियम आयन, मीन्स ये बेंजिल कार्बोनियम आयन है, यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करने का तरीका, उस एटम से जितने एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है और 1 ये आपकी रिंग, तो ये आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड 0 और प्लस लगा हुआ है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो यहाँ पे लोन पेयर होगा नहीं, तो
तो ये आपका हो गया 3+0, और 3+0 होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3, और हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 का मतलब 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग। तो पहला होगा s और 2 हो जाएंगे आपके p, तो ये आपका आंसर हो जाएगा sp2, मींस कार्बेंजिल कार्बोनियम आयन में जो कार्बोनियम कार्बन है, मींस कैटायनिक कार्बन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp2। नेक्स्ट है, ये आपका दिया हुआ है प्रोपेनॉल कह रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से आपने रिएक्शन कर दी 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। फिर बोल रहा है जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी आप Cl2 से रिएक्शन करोगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर पूछ रहा है ए और बी, तो देखिए जब आप एल्कोहल की रिएक्शन, स्पेशली बीटा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हो, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी वो मॉलिक्यूल से वाटर रिलीज कर देगा। तो देखिए ये आपकी रिएक्शन होगी CH3CH2CH2OH, ठीक है। तो अब ये जब वाटर रिलीज करता है तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसको बोलोगे अल्फा, इसको बोलोगे बीटा। तो जब भी कभी डिहाइड्रेशन होगा, अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, और रूल होता है जब दो एडजेसेंट कार्बन से एक एक ग्रुप रिलीज होगा तो वहां पे एक एडिशनल बॉन्ड लग जाएगा, तो यहां से आपका एक प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH CH2। तो ये आपका एक प्रोडक्ट बनेगा इथीन। अब बोल रहा है आप इसी पे रिएक्शन करा देते हैं Cl2 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो Cl2 क्या करेगा, यहां से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और इस मॉलिक्यूल इस बॉन्ड को होमोलाइज कर देगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, सॉरी ये आप हाई टेम्परेचर पे क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो ये एलाइलिक क्लोरीनेशन होता है। तो ये आपकी एलाइलिक पोजीशन है और यहां पे क्लोरीनेशन होगा, तो इस तरीके से जो आपका प्रोडक्ट होगा, सॉरी आंसर होगा, वो होगा सेकेंड वाला। ये आपका ए प्रोडक्ट है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद जब आप इस पर क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे तो ये एलाइलिक कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन जो होता है वो एलाइलिक कार्बन होता है। और जब भी कभी आप एलाइलिक एल्कीन परमीन्स एल्कीन जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे हाई टेम्परेचर पे लगभग 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्लोरीन क्या करता है वहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो जब रिप्लेस करेगा तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये 20 जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी। ये बोल रहा है पेंट वन इन, लिखा हुआ है पेंट वन इन, इस पे आपने HCl की रिएक्शन करा दी तो क्या बनेगा। पेंट वन इन का मतलब हो गया ये CH3CH2CH2CH डबल बॉन्ड CH2। आप इस पे रिएक्शन करा रहे हो HCl की, तो पढ़ाया जाता है कि जब भी कभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और आपका एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो जो प्रोडक्ट बनता है स्पेशली मेजर प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकॉप्स के रूल से बनता है। और मार्कोनिकॉप्स का रूल बोलता है निगेटिवली चार्ज्ड पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन। और जब दो एडजेसेंट कार्बन पे एक एक ग्रुप जुड़ेंगे तो आपका एक बॉन्ड कम हो जाएगा और यहां से आपको मिल जाएगा CH3CH2CH2CHCl एंड सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये पेंटेन है जिसके सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, यानी इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोपेंटेन। तो आंसर आपका होगा 2-क्लोरोपेंटेन। ये कह रहा है नाइट्रेशन एंड क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, तो बहुत ये कॉमन सा है कि बेंजीन जो भी रिएक्शन देता है वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका चाहे फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो, हैलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर आते हैं, अब यहां पे बोल रहा है नंबर ऑफ 2° कार्बन इन द गिवन कंपाउंड इज, यानी ये बोल रहा है कि इसमें से कितने कार्बन 2° हैं। तो 2° कार्बन का मतलब हो गया जो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होगा। तो देखिए एक तो ये हो गया एक, ये हो गया दो,
तीन, चार, पांच और छह, ये इतने छह कार्बन सिर्फ दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इनकी डिग्री होगी टू, यानी आपके नंबर ऑफ टू डिग्री कार्बन इस कंपाउंड में है सिक्स। तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए जैसे ओपन चेन होता है फिर तो हमको सीधे कार्बन दिख जाते हैं, क्लोज चेन में या बॉन्ड लाइन में कैसे करेंगे, तो हमको जितनी लाइंस दिखती हैं उस पर, ठीक है, अगर दो लाइंस बनी हुई हैं मतलब दो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो। अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेड, और ये आपका दिया हुआ है प्रोप वन आइन, और इसको कह रहा है रेड हॉट आयरन ट्यूब से आप रिएक्ट कराते हैं। तो जब आप इसकी रेड हॉट आयरन ट्यूब से रिएक्शन कराएंगे तो यहां से आपको मिलेगा जो प्रोडक्ट वो होगा मेसिटाइलिन, यानी ये होगा, ठीक है, ये अब ये बोल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताने। तो देखिए यहां पे एक होगा हाइड्रोजन, यहां पे एक होगा हाइड्रोजन, और यहां पे एक होगा हाइड्रोजन, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है, बारह ये हो गए। और बारह के बाद देखिए तीन इस पे हैं, तीन इस पे हैं, और तीन इस पे हैं, तो थ्री थ्री जा नाइन, यानी ट्वेल्व प्लस नाइन आपका आंसर हो जाएगा 21, यानी इसका आंसर होगा 21। और द लास्ट है द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, तो ये मीथेन होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।